परिस्थितियों का गुलाम मोरल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। हर इंसान परिस्थितियों का गुलाम होता है। वो जिस परिस्थिति में रहता है वो उसी में ढल जाता है। इस कहानी परिस्थितियों का गुलाम में भी ऐसा ही कुछ होता है। पुराने समय की बात है, एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हिलचाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और उबड़खाबड़ वाली जमीन पर गहरी नींद से सो रहा था। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि जरा इसे देखो, ये बेचारा इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है, और एक हम है जो कि इतनी अच्छी सुविधाएं के बावजूद भी अगर थोड़ी भी अड़चन आई तो ठीक से सो नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज ये किसान अब इस परिस्थितियों में ढल गया है, इसलिए वो अच्छे से सो रहा है। अब उसने अपनी इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है, उसे जैसी व्यवस्था मिलती है वैसा ही वो अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल देता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगती है। राजा ने कहा कि हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। उस किसान की परीक्षा लेने के लिए वो उसे अपने साथ राजमहल में ले जाते हैं। यहाँ पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुख सुविधा की व्यवस्था की जाती है। उस किसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए देते हैं। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राजसी ठाठ बाठ का आनंद लेने लगा। इसी तरह किसान को राजमहल ने आए हुए 2 महीने हो गए। अब किसान भी इस सब सुख सुविधाओं का गुलाम बन गया था। उसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रख दिए। किसान को तो अब इन सब सुख सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास उसे मिलने के लिए पहुंचे। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ खुचने वाली चीजें हैं और इस चीजों की वजह से उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा कि देखा महाराज, ये वही किसान है जो कि पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु ये अब 2 महीने में तो राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदि हो गया है। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली ना कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हाँ तुमने मुझे उस दिन सच बताया था, इंसान वाकई परिस्थितियों का गुलाम होता है। हमें अपने शरीर को ज्यादा सुख सुविधाओं का आदि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हमने अपने आप को बनाया होता है। अगर हमें जरूरियात से ज्यादा सुख सुविधाएं मिल जाती है तो हम कभी भी उन सुख सुविधाएं वाली परिस्थितियों के बिना रह नहीं पाते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।